आप सभी का स्वागत है। प्रखंड चिकित्सा प्रभारी बनने पर एनएचआरसीसी ने किया डॉक्टर राजेश दुबे को सम्मानित। जमुआ प्रखंड के चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर राजेश दुबे ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जमुआ का प्रखंड चिकित्सा प्रभारी का पदभार ग्रहण करने के पश्चात कहा कि गिरिडीह जिले में 13 प्रखंड में जमुआ सबसे बड़ा आबादी का प्रखंड है। आबादी के अपेक्षाकृत संसाधन चिकित्सक व कर्मी कम है। बावजूद सीमित संसाधन के स्वास्थ्य मंत्रालय के दिशा निर्देशानुसार बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराना मेरी प्राथमिकता होगी। मैं हम लोग को एक ऐसा बटन भी है, उसके लिए हम लोगों ने रोज जो है रैपिड किट टेस्ट और आरटीपीसीआर का जांच अस्पताल में सभी मरीजों का, जो भी मरीज इलाज कराने आएंगे उनका पहले जांच हम लोग करवा लेंगे, उसके बाद फिर जो इलाज जो प्रोसेस होता है वो हम लोग करवाएंगे। उसको मैंने कल ही निर्देश दे दिया है कि कल से ही जो है वो शुरू कर देंगे। इसमें मैं जनता को एक आगाह करना चाहूँगा कि अभी हम लोग कोरोना मुक्त हुए नहीं हैं, और जब तक इनके वैक्सीन या उचित दवा जब तक नहीं मिल जाती है तब तक हम लोग को परहेज से रहना है। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि मास्क हमेशा लगाएं, मास्क का उपयोग जरूर करें, हैंड वॉशिंग करें और सोशल डिस्टेंसिंग का मेंटेन करें। इतना चीज़ हम लोग को हमेशा करना है। अभी मौसमी बीमारी भी बहुत ज़्यादा फैला हुआ है, क्योंकि ह्यूमिडिटी के चलते विषाणु या कुछ बैक्टीरिया का जो है इन्फेक्शन ज़्यादा होता है। इसमें हम एक चीज़ और सजेस्ट करना चाहेंगे कि लोगों को अभी पानी उन्हीं में भीगना नहीं है, तालाब में अननेसेसरी तालाब नदी ये सब में अभी नहाना नहीं है, गर्म पानी से नहाना है, हैंड वॉश हमेशा करना है, कुएं का पानी का सेवन न करें, बासी भोजन का जो है सेवन न करें, ताज़ा खाना खाएं, इधर उधर का बाहर का सामान का सेवन न करें। इससे हम जो है मौसमी बीमारी से बच सकते हैं और अपने आप को स्वस्थ।